नशे में डूबे हैं, ये रहते हैं मदहोश। मैं मानता हूँ रब्बा, मैं मानता हूँ दुनिया में इज्जत से बढ़कर और कोई चीज नहीं होती। दिल की ख्वाहिशों का क्या करें इंसान। मेरा भी दिल करता है इस तरह का बड़ा घर हो, मेरा बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, जायदाद हो, नौकर चाकर तेरे आगे पीछे घूम रहे हो, मेरे आगे पीछे घूम रहे हो, कोई तुझे पूछ रहा हो मैडम, कोई मुझे पूछ रहा हो सर। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन राजदारी शर्त है। हाँ, लेकिन हिस्सा बराबरी का होना चाहिए। यानी सारे का सारा काम हमारा और 50% ये ले जाएगा। वो अशरफ साहब को ड्रिंक प्रोवाइड करते करते उनके इतने करीब हो गया था कि उनसे लाखों रुपए के चेक साइन करवाने लगा था। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। एक मर्डर करने के तुमने इतने पैसे मांग लिए? बंदा मारना इतना आसान होता तो आप खुद मार सकते थे। हाँ, लेकिन मैंने किसी सियासी बंदे को मारने के लिए नहीं कहा जो तुमने 25 लाख रुपए मांग लिए। अरे साहब, उसका तो फार्मूला ही अलग है, उसके लिए तो हम अपने घर और नस्लों का तहफ्फुज़ भी मांगते हैं। मैंने तो सिर्फ आपसे 25 लाख रुपए मांगे हैं। कैसी है किंदा जी आप? आखिर आपको हमारी याद आई गई। दरअसल आज एक दो मीटिंग्स है बड़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं, वादा नहीं कर सकता किंदा जी। चलिए, पक्का प्रॉमिस। जी जरूर। ओके, मैंने तुम्हें अपनी जमानत पर जेल से बाहर निकलवाया, वरना क्या होता साहब जी? मेरे पास दूसरी पार्टियों की भी ऑफर थी, मैं किसी की कबूल करता बाहर आ जाता। हाँ, अगर ऐसा होता तो 4 महीने जेल में ना सड़ते, बाहर होते तुम। अच्छा बस, मैं बहस करने का आदि नहीं हूं। अगर आपको काम करवाना है तो बोलिए, ना मैं चिक चिक करता हूं और ना सुनने का आदि हूं। सर, अपना मोबाइल अंदर गाड़ी में ही भूल गए, अगर ना दिया तो पता नहीं बुरा ना मान जाए। लो, खुद ही बंद हो गया। सर, वो आपका फोन बज रहा था सर। चलो। हेलो, जैजी से फटा करके अच्छा नहीं किया, बेकार की भरमबाजी काम ना ही तो कहां जाऊंगा। इस शहर में तो कोई अपना है भी नहीं, और खुदा ना ख्वासा जैजी ने किसी और केस में अंतर करवा दिया तो पहले किसने जमानत करवाई थी जो अब कोई करवाएगा।
जब तक कोई रास्ता नहीं बन जाता मुझे किसी से भी काटने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, अभी कहाँ जाएंगे? तुम ऐसा करो, पहले मुझे घर ड्रॉप कर दो, फिर तुम ऑफिस चले जाना। वहाँ एक वाइट एनवलप पड़ा है, उसमें कुछ फोटोग्राफ्स हैं, वो लेके आनी। बेहतर है सर। ठीक है, तुम जाओ। हाँ, बंद करो। मैम, मैंने वो डाटा कंप्लीट कर लिया है उसकी समरीज फाइल में। थैंक यू। ये फाइल आप शाम को लेकर आइएगा, मैं तब साइन कर दूंगी। अभी मुझे लंच पे एक जगह जाना है, आई एम ऑलरेडी लेट। जी मैम। आज तो जल्दी काम खत्म करके आ गई। अरे काम तो अभी बाकी है, बीबी बाजार जा रही है ना, कह रही थी कि मेरे साथ चलो। अब तो क्या मैं इस तरह घर में अकेली रहूंगी? अरे अपने कमरे में तुझे क्या डर है? फिर भी तुम ऐसा करो, तुम घर में रहो, मैं बाजी के साथ बाजार चली जाती हूँ, ठीक है? देख लो अगर बीबी मान जाए तो। अम्मा उन्हें तो बस सामान उठवाना है ना, तो मैं उनकी मदद कर दूंगी। अतिया जी, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? मैंने तुम्हें बाजार चलने के लिए कहा है। अब सुमल बाजी, मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं, तुम घर पर ही रहो, जैजी को कोई काम पड़ सकता है। चलो अतिया। अच्छा मैं चलती हूँ। मैं कमिंग सर। हाँ जाओ। सर मैं अभी मैडम के कमरे में था। तो फिर आपका बड़ा जिक्र कर रही थी सर। क्या कह रही? सॉरी सर, कह रही थी कि आप बड़े इमेच्योर्ड और अभी लर्निंग प्रोसेस में। इनमेच्योर लर्निंग प्रोसेस? 4 साल जॉब की है मैंने पहले वाली, और इस जॉब को अभी हफ्ता ही तो गुजरा है। बड़ा हसीन इत्तेफाक है सर, मेरी भी ये दूसरी जॉब है। पहली जॉब मैंने 10 दिन की थी सिर्फ।
सिर्फ 10 दिन? हाँ सर, मैनेजर बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था, मैं भी लात मारकर आ गया। हाँ यार, नौकरियों में ऐसा ही होता है, इसीलिए तो लोग डरते हैं कि अपना कुछ छोटा मोटा काम कर लें मगर जॉब ना करें। नहीं सर, छोटे मोटे काम में कुछ नहीं रखा सर, नौकरी में कम से कम महीने के महीने तनख्वाह तो मिल जाती है। हाँ यार, यही सोच के तो जॉब कर रहा हूँ मैं भी। डोंट वरी सर, एक दफा मुझे ऊपर आने दें, आपकी भी तरक्की करवा दूंगा। है क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम ऊपर आओगे? तुम? सर आप मजाक समझ रहे हैं? आप देखेंगे सर, एक दिन राहिल मिर्जा इस कंपनी का सीईओ होगा, मेरी अपनी हुकूमत होगी और मेरी बादशाह पया मेरे साथ साथ होंगे। ओ भाई, अपनी इन ख्वाबों की दुनिया से वापस आ जाओ, बस में बैठकर घर भी जाना है, और जल्दी से जाहिद इंटरप्राइजेस की फाइल लेके आओ। चलो शाबाश। जी सर। वाह क्या ख्वाब है, मैं ऊपर आऊंगा, सीईओ बनूंगा और आपको भी ऊपर रखूंगा। वाह भाई, दिमाग खराब। जी साहब, बुलाया आपने? हाँ, वो अम्मा कहाँ हैं? अम्मा सुमन बाजी के साथ बाजार गई हैं। अच्छा, ओ तुम मेरे कपड़े निकालो। जी मेरे कपड़े निकालो। मैं शायद गलत वक्त पर आ गई हूँ। अरे नहीं नहीं, आओ आओ बेनिश, आओ जाओ, तुम चाय बना के लाओ, जाओ जाओ। अब बैठो बेनिश, बैठो। हाँ श्योर। मैं चेंज करके आता हूँ। ठीक है।
अंदर से कहाँ से आ रही है? वो अम्मा बाजार गई हैं तो। साहब अंदर अकेले थे? अब नहीं, वो उनकी दोस्त आई है तो उन्होंने कहा है कि चाय बना के ले आ। दोस्त बीनिश होगी? अब वो मुझे नाम का नहीं पता, हो सकता है। अरे हाँ जैजी, तुम्हारी काम वाली तो बड़ी खूबसूरत है। ये मेरी बीवी है जी। ओ, इसे मॉडल बना दो, हिट हो जाएगी। चाबी दो। चलो। ये बड़े लोग हमेशा हमें हल्का क्यों लेते हैं? साहब जी, दफ्तर से कोई राहिल साहब आए हैं। उन्हें इधर ही बुला लो। ठीक है। बैठ। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? सर बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपको सलाम करता जाऊँ। चलो अच्छा किया। मैंने सुना सर आपकी तबीयत खराब थी, अब? हाँ, उम्र के साथ साथ अब तबीयत नासाज ही रहेगी ना। सर मैंने सुना था कि आपको शौक है, तो मैं ये लेकर आया था आपके लिए। लगता है तुमने मेरे दिल की सुन ली। सर बस सर मैडम के आने का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। ठीक। ओके सर, ऑफिसर। गुड। रजिया। जी साहब जी। एक पानी की बोतल जी, और वो मेरे वाला ग्लास जी, वो लाओ। जी साहब जी, लाओ। देखा, सब कहते हैं कि तू मॉडल बन जा। लोगों की तो नजरें ही गंदी हैं। इसमें गंदी नजर वाली कौन सी बात है? मॉडल्स कौन सी अच्छी होती हैं? तुमने देखा किस तरह के कपड़े पहनती हैं वो? सभी एक जैसे ही पहनती हैं। तो मैं भी पहन लूं? भाई मॉडल बनना है तो पहन लो। तुम्हें शर्म नहीं आएगी गोजी? शर्म किस बात की? अलबत्ता तुम्हें शोहरत तो मिलेगी ना। शोहरत के लिए इंसान बेहिया बन जाए? खाली शोहरत थोड़ी है, शोहरत के साथ पैसा भी बहुत। पैसे के लिए खुद को बदल लूं? हाँ तो क्या हुआ? तुम्हें गैरत नहीं आएगी गोशी? ओ भाई, तुम्हारा शौहर तुम्हें खुद इजाजत दे रहा है। यही तो हैरत की बात है कि तुम शौहर हो के मुझे इजाजत दे रहे हो। मुना, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए अपनी सलाहियतों को आजमाना चाहिए। सलाहियतें बहुत पीछे रह जाती हैं, बस सिर्फ बेहयाई आजमाई जाती है। सीधी बात तुम्हारी अकल में नहीं पड़ती। ये सीधी बात है? मुझे देखकर लोगों की आंखों में हवस तैरती रहेगी, यह जिंदगी। तुम भी ना अपने आप को हल्का मत ले। चादर में लिपट रहे सारी जिंदगी, और लिपटे लिपटे तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मेरी